झारखंड में सियासी उठापटक के बीच रांची सर्किट हाउस में सत्ता पक्ष के विधायकों का जमावड़ा लगा है। सियासी संकट पर विधायकों का मंथन जारी है। चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री का दावा पेश किया। शपथ के लिए राजभवन से अब बस बुलावे का इंतजार हो रहा है और राजभवन पर देश भर की निगाहें टिकी हैं। 43 विधायकों का समर्थन चंपई सोरेन के साथ है। राजकीय अतिथिशाला से निकल चुके हैं चंपई सोरेन। अब देखिए राजभवन पर निगाहें टिकी हैं क्योंकि कल हेमंत सोरेन ने इस्तीफा सौंपा, उनकी गिरफ्तारी हुई और वो ईडी दफ्तर उन्हें ले जाया गया जहां पर उनकी रात कटी है। इस बीच अब देखिए रांची के सर्किट हाउस में विधायकों का जमावड़ा लगा है। सहयोगी सत्यव्रत किरण हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे चलते हैं उनके पास। सत्यव्रत, देखिए कल दिन भर की गहमा गहमी, रात भर की हलचल और उसके बाद अब एक जो सियासी संकट से स्थिति जरूर है, संकट के बजाय हम संशय शब्द का उपयोग करें तो ज्यादा सही होगा क्योंकि कल 43 विधायकों का समर्थन पत्र लेकर पहुंचे थे सत्ताधारी दल के विधायक। चंपई सोरेन भी पहुंचे थे जिन्हें विधायक दल का नेता फिलहाल चुना गया है, लेकिन अब तक राजभवन की तरफ से उन्हें कोई बुलावा नहीं आया है। इंतजार अब राज्यपाल के बुलावे का हो रहा है और देश भर की निगाहें टिकी हैं राजभवन पर। देखिए बिल्कुल सही कहा आरती आपने कि सिर्फ अपना राज्य झारखंड ही नहीं बल्कि देश भर की जो निगाहें हैं अब राज्यभवन पर टिकी हुई है कि कब राज्यपाल जो है वो विधायकों को आमंत्रण देते हैं ताकि विधायक जो है वो जाकर अपना जो बहुमत है वो पेश कर सके। फिलहाल जब हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए थे उन्होंने अपने विधायकों को यह निर्देश दिया था कि सभी एकजुट रहें और इससे पहले भी जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे लगातार अपने विधायकों से एकजुट रहने की अपील कर रहे थे। मैं आपको दिखाता हूं कि मेरे पीछे यही वो सर्किट हाउस है जहां फिलहाल अभी सभी विधायक मौजूद हैं और इन विधायकों को इंतजार है कि कब राजभवन से राज्यपाल के द्वारा बुलावा आता है और यह विधायक जो है वो पहुंचे राजभवन और अपना जो बहुमत है वो पेश कर सके। फिलहाल अब से थोड़ी देर पहले चंपई सोरेन भी जो है वो इसी राजकीय अतिथिशाला में मौजूद थे और अभी से थोड़ी देर पहले वो अतिथिशाला से बाहर निकले हैं। हो सकता है वो अपने सरकारी आवास गए होंगे क्योंकि लगातार चंपई सोरेन के मोराबादी स्थित आवास पर लोगों की जो जुटान है वो हो रही है। फिलहाल अब लोगों को इंतजार है कि कब राजभवन के द्वारा जो है वो विधायकों को बुलाया जाता है। कल ही काफी संख्या में जब मुख्यमंत्री जो है वो पहुंचे थे हेमंत सोरेन अपना इस्तीफा देने के लिए, उस वक्त जो है वो सभी विधायक करीब 43 विधायकों को लेकर राजभवन ले जाया गया था, लेकिन राज्यपाल ने 43 विधायकों से मिलने के बजाय यह आदेश दिया कि वो 5 विधायकों से मिलेंगे। 5 विधायकों के द्वारा 43 विधायकों का जो समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपा गया है, राज्यपाल ने कहा कि पहले वो इसका एक बार अध्ययन कर लेंगे और अगर उसके बाद जरूरत होती है तो सभी विधायकों को राजभवन आना होगा, एक एक कर सभी विधायकों की परेड की जाएगी, उनसे सहमति जानी जाएगी और उसके बाद सरकार बनाने के लिए राज्यपाल के तरफ से जो है वो हरी झंडी दे दी जाएगी। फिलहाल जो उम्मीद है कि अब से कुछ घंटे बाद हो सकता है कि राजभवन से विधायकों को जो है वो बुलावा भेजा जाएगा और विधायक दल के नेता चंपई सोरेन के नेतृत्व में सभी विधायक जो है वो राजभवन जाएंगे। फ्लोर टेस्ट की बात हो रही है कि हो सकता है राज्यपाल एक एक कर सभी विधायकों से समर्थन की जानकारी ले और उसके बाद राज्यपाल जो है वो चंपई सोरेन को सरकार बनाने का न्योता दे सकते हैं। फिलहाल इन सब के बीच अभी भी हेमंत सोरेन जो है वो ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में है। देर रात उनसे जो है वो पूछताछ की गई, कई महत्वपूर्ण जानकारियां पूछताछ के दौरान ईडी के अधिकारियों को मिली है। आपको पता है आरती कि जमीन घोटाला मामले की जांच कर रही ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। इससे पहले करीब 14 आरोपियों को जमीन घोटाला मामले में आरोपी बनाया गया है और हेमंत सोरेन जमीन घोटाला मामले के 15वें आरोपी हैं। फिलहाल अब इंतजार है कि कब ईडी के अधिकारी उन्हें पीएमएलए कोर्ट में जो है वो पेश करते हैं और उम्मीद है कि ईडी के अधिकारी हेमंत सोरेन की रिमांड की जो मांग है वो भी कोर्ट से कर सकते हैं। दूसरी तरफ महाधिवक्ता के द्वारा जो है वो हाई कोर्ट में हेमंत सोरेन के
जी, देखिए मौसम बदला है सत्यव्रत, बारिश हो रही है, आप भीग भी रहे हैं। एक तरफ मौसम बदला है, दूसरी तरफ सियासी फिजा में भी बड़ा बदलाव आया है झारखंड के। बहरहाल आप बने रहिए, हम अपडेट्स लेंगे, लेकिन फिलहाल शुक्रिया, जरा बारिश से बचिए आप। और ये तस्वीर हम आपको अभी दिखा रहे थे, सहयोगी सत्यव्रत दिखा रहे थे, वहां पर सर्किट हाउस से निकल चुके हैं चंपई सोरेन। और देखिए सर्किट हाउस में एक बार फिर से विधायक डटे हुए हैं, जो सत्ताधारी दल के विधायक हैं, और इसलिए भी क्योंकि देखिए 43 विधायकों का समर्थन पत्र उनके पास है, 43 विधायक का समर्थन है अभी उनके पास, और अब बस इंतजार हो रहा है कि ये जो सियासी संशय की स्थिति है झारखंड में वो कब खत्म होगी, क्योंकि सत्ताधारी दल तैयार है अपनी तरफ से समर्थन पत्र लेकर, लेकिन राजभवन आपने देखा कि कल जब राजभवन पहुंचे थे ये विधायक, तो सिर्फ 5 विधायकों को अंदर बुलाया गया था, और उसके बाद जब समर्थन पत्र सौंप कर निकले तो सभी ने कहा कि वो रात भर इंतजार करने को तैयार है, अगर राजभवन उन्हें बुलाते हैं तो वो परेड के लिए तैयार है। लेकिन अब तक इंतजार इंतजार ही है, अब तक बुलावा नहीं आया है, और अब सभी की निगाहें राजभवन पर टिकी हुई हैं कि यह बुलावा कब आता है। इस बीच आपको बता दें कि कल रात ईडी दफ्तर में कटी हेमंत सोरेन की, और आज उनकी पेशी होनी है पीएमएलए कोर्ट में। आज कोर्ट में पेश किए जाएंगे हेमंत सोरेन, कोर्ट से रिमांड पर लेने का आग्रह कर सकती है ईडी। बुधवार को ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था, जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यह गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि कई सवाल ऐसे थे जिनमें हेमंत सोरेन उलझते नजर आए, जो बातें सामने आ पाई हैं कि ये नहीं बता पाए हेमंत सोरेन कि बड़गाई अंचल की 8 एकड़ 46 डिसमिल जो जमीन है वो किसके कब्जे में है। साथ ही आपको बता दें कि जो दिल्ली में जब्त कैश और गाड़ियां मिली हैं उनके बारे में भी सवाल पूछे गए हैं। तो आपको एक बार सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि कैसे क्या कुछ हुआ, क्योंकि फिलहाल थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि अब बस इंतजार हो रहा है कि जो नई सरकार है वो कब आएगी सत्ता में। सरकार देखिए चेहरा जरूर बदल गया है, सरकार भी बदली क्योंकि मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, उसके बाद पूरा मंत्रिमंडल ऐसे भी पूरी कैबिनेट डिसॉल्व हो जाती है। तो अब जब नया विधायक दल का नेता चुना गया है, चुन लिए गए हैं चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया है, समर्थन पत्र भी उनके पास है, वो सौंपा गया है राजभवन को, लेकिन अब तक बुलावा नहीं आया है, तो ये चर्चाएं तो है। लेकिन दूसरी तरफ आप हेमंत सोरेन की बात करें, जिन्हें कल रात गिरफ्तार किया गया, ईडी दफ्तर में वो रहे रात भर, और आज पीएमएलए कोर्ट में उनकी पेशी होनी है। सत्यव्रत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सत्यव्रत अगर मेरी आवाज मिल रही हो तो जरा उन पर भी बात कर ले जिन मुद्दों को लेकर ये पूरा सियासी घमासान चला। सीधी सी बात थी, जमीन घोटाले का मामला था, और सबसे जो जरूरी मामला था वो बड़गाई अंचल का था, जो 8.5 एकड़ की जमीन की बात कही जा रही थी कि वो जमीन किसके कब्जे में थी। और ये वाला सवाल जो अब तक जानकारियां सामने आई कि इस सवाल का जवाब हेमंत सोरेन नहीं दे पाए, उलझे रहे वो, और इसके साथ ही कई और भी सवाल थे, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं दे पाना ही उनके लिए मुसीबत का सबब बना। और देखिए अब मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अब गिरफ्तार किए गए हैं, और एक दूसरी तरफ सियासी संकट। सत्यव्रत की आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल जी। तो देखिए बिल्कुल सही कहा आरती आपने कि जमीन घोटाला मामले की जांच कर रही ईडी ने पहले भी कई आरोपियों को, करीब 14 आरोपियों को जो है वो जेल भेजा है। और आपको पता होगा कि जब ईडी के अधिकारी जमीन घोटाला मामले की जांच कर रहे थे, लगातार वैसे लोगों पर जब कार्रवाई की जा रही थी, उस दौरान बड़गाई अंचल के कर्मचारी हैं भानु प्रताप, उनके आवास पर छापेमारी की गई थी, और छापेमारी के दौरान ईडी के अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण जमीन से संबंधित जो दस्तावेज हैं वो प्राप्त किए गए थे। बड़गाई अंचल स्थित बरियातू डीएवी स्कूल के पीछे करीब 8.5 एकड़ जमीन के कुछ कागजात जो हैं वो बड़गाई अंचल के कर्मचारी भानु प्रताप के आवास से छापेमारी के दौरान जो है वो बरामद किए गए थे। कुछ ऐसे कागजात जो कि अंचल कार्यालय में होने चाहिए वो भानु प्रताप कर्मचारी के आवास पर था, वहीं से ईडी को सुराग मिलता है। और उसके बाद लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जो है वो पूछताछ के लिए समन भेजा जाता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस ईडी कार्यालय जाने से वो भाग रहे थे,
किसी दिन ईसीडी कार्यालय में उन्हें रात गुजारनी पड़ेगी। फिलहाल लगातार जमीन घोटाला मामले में ईडी को जो है वो सफलताएं मिल रही है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जब पूछताछ हो रही थी, चाहे वो 20 जनवरी का दिन हो या फिर बीते 24 घंटे पहले जब मुख्यमंत्री आवास में हेमंत सोरेन से पूछताछ हो रही थी, उस वक्त ईडी के अधिकारी जमीन घोटाला से संबंधित जानकारी जो है वो हेमंत सोरेन से चाह रहे थे। कई सवाल थे जिसका जवाब हेमंत सोरेन ने नहीं दिया और ईडी जो कि पहले से होमवर्क करके बैठी हुई थी, पूरी सबूत साक्ष्य जो है वो ईडी के पास पहले से था और यही कारण है कि लगातार यह कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो जाए। लगातार न्यूज 11 भारत पहले से ही यह बता रहा था कि इस बार की गिरफ्तारी जो है वो लगभग कंफर्म है। फिलहाल हेमंत सोरेन को अभी भी जो है वो ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में रखा गया है और कल जब राजभवन से मुख्यमंत्री आवास ले जाया गया था ईडी के अधिकारियों के द्वारा, उस दौरान मुख्यमंत्री आवास से भी जमीन संबंधित कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जो है वो ईडी के अधिकारी हेमंत सोरेन के साथ लेकर ईडी कार्यालय गए थे। यानी कि रात भर ईडी कार्यालय में हेमंत सोरेन से पूछताछ की गई, इससे जानने की कोशिश की गई कि हेमंत सोरेन और उनके परिवार के द्वारा जो संपत्ति अर्जित की गई है, कौन कौन से संपत्ति जो है वो बनाए गए हैं, किन किन बैंक किन किन शाखाओं में जो है वो उनका अकाउंट है, उनके इनकम का क्या कुछ सोर्स है वो जानने की कोशिश की गई, खनन मामले में भी जानकारी जो है वो हेमंत सोरेन से ली गई, कोयला से संबंधित जानकारी जो है वो ली गई। लेकिन फिलहाल जो गिरफ्तारी की गई है वो जमीन घोटाला मामले में की गई है। देखना है कि कब ईडी के जो अधिकारी हैं वो हेमंत सोरेन को पीएमएलए कोर्ट में प्रस्तुत करते हैं और कोर्ट से कितने दिनों की रिमांड जो है वो ईडी के अधिकारियों को मिल पाती है। आरती, वहां पर हलचल नजर आ रही है, सत्यव्रत वहां भी चलते हैं। दीपक, देखिए पीएमएलए कोर्ट में पेशी होनी है, कल जिस तरह से गिरफ्तारी हुई रात 8:30 बजे के आसपास उन्हें गिरफ्तार किया गया और फिर वो लाए गए ईडी दफ्तर और अब इंतजार हो रहा है कि कब उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। और पेशी इसलिए भी अहम है कि रिमांड कितने दिनों की मिलती है ईडी को, क्योंकि ईडी रिमांड मांगने वाली है, तो ये बहुत अहम होगा। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कल एक लंबी पूछताछ के दरमियान ईडी ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जाहिर सी बात है कि उन्हें पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया जाना है। पेश अब देखना होगा कि क्या रांची सिविल कोर्ट के पीएमएलए कोर्ट में किया जाता है या फिर जज कॉलोनी स्थित आवासीय कोर्ट में किया जाता है। लेकिन जब पेशी की जाएगी तो जाहिर सी बात है कि ईडी रिमांड पर लेकर पूछताछ करना चाहेगी और इसके लिए पेशी के दरमियान ही ईडी रिमांड की पिटीशन जो है अदालत में देगी और रिमांड का आग्रह अदालत से करेगी। हमें यह भी जानकारी है कि हेमंत सोरेन के जो वकील है वो ईडी के द्वारा की जाने वाली जो रिमांड की मांग के विरोध में भी वो तमाम चीज़ें की जो है वो तैयारी कर रखी है। अब जब पेश किया जाएगा तो रिमांड की अगर पिटीशन देकर के ईडी रिमांड की मांग करती है तो उस पर जो विरोध है वो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन के वकील के द्वारा किया जाएगा और जब सुनवाई होती है उसके बाद देखना होगा कि क्या रिमांड की मांग कितने दिनों की जाती है और अदालत में सुनवाई जब होगी तो कितने दिनों का अलाउ किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी और इसके लिए फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल यही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी जब पेश करेगी तो पेश रांची सिविल कोर्ट के पीएमएलए कोर्ट में करेगी या जज कॉलोनी स्थित आवास में करेगी और इस पर सबकी निगाह है। लेकिन दूसरी तरफ जब आपने देखा कि कल जिस तरीके से हाई वोल्टेज चला, सियासत में किस तरीके से जो है उछाल अपडाउन जो है होता रहा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कि जब गिरफ्तारी हुई उसके पहले जो है राजभवन पहुंचते हैं, अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंपते हैं और जो विधायक दल के नेता जो चुने गए हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा ही चुना गया है कह सकते हैं, क्योंकि जो विधायक दल की बैठक परसों शाम 7 बजे हुई थी उस दरमियान तमाम विधायकों से सहमति पत्र में, एक सादा पत्र में जो हस्ताक्षर लिया गया था और उसी हस्ताक्षर के आधार पर जो है दल का जो नेता है वो चंपई सोरेन को सौंपा चुना गया है। तो चंपई सोरेन कल राजभवन पहुंचते हैं और राज्यपाल के समक्ष अपना 43 विधायकों का समर्थन का दावा है वो पेश करते हैं। लेकिन फिलहाल राजभवन की तरफ से अभी तक समय नहीं दिया गया है कि कितने बजे जो है फ्लोर टेस्ट के लिए चंपई सोरेन और उनके समर्थित विधायकों को बुलाया जाता है ताकि नई सरकार जो है वो बन सके, उसका फिलहाल चंपई सोरेन और उनके विधायक जो है वो इंतजार कर रहे हैं और सभी सर्किट हाउस में अभी जमे हुए हैं और तमाम राजनीतिक
जो चर्चा है वो वहाँ पे चल रही है। अब देखना होगा कि राजभवन के द्वारा तो ये दोनों जगहों पर हलचल रहेगी। आज राजभवन पर सबसे ज्यादा निगाहें हैं कि जो सरकार को लेकर जो सियासी संशय की स्थिति है वो क्या संशय आज खत्म होता है या नहीं होता है। सत्व्रत, देखिए ये सारी चीजें तो चल रही हैं, लेकिन एक तरफ जहां पीएमएलए कोर्ट में हेमंत को पेश किया जाना, दूसरी तरफ आप देखिए हेमंत ने भी ईडी के अफसरों के खिलाफ एफआईआर कराई है एसटीएससी थाने में, और ये जो समन लगातार मिले हैं उसे लेकर उसको लेकर हाईकोर्ट में भी सुनवाई होनी है आज। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि एक तरफ ईडी हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर चुकी है और दूसरी तरफ कुछ घंटे पहले हेमंत सोरेन के द्वारा जो है वो ईडी के अधिकारियों पर ही एससी एसटी थाने में मामला दर्ज किया गया है। आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री आवास पर जब छापेमारी की गई थी, दिल्ली स्थित शांति निकेतन आवास पर जब ईडी के अधिकारी पहुंचे थे उस वक्त हेमंत सोरेन दिल्ली स्थित अपने आवास पर मौजूद नहीं थे। आरोप लगाया गया कि गैर हाजिरी में कैसे जो है वो उनके आवास में जाया गया, कैसे जो उनके कर्मचारी हैं उनसे पूछताछ की गई। साथ ही आरोप लगाया गया कि उनके कर्मचारियों के साथ जो है वो बदसलूकी की गई है। देखिए आप तस्वीरें देख रही होंगी आरती राजकीय अतिथिशाला की, जहां लगातार जो विधायक हैं उनके आने जाने का जो सिलसिला है वो जारी है। आपको पता है कि कई ऐसे विधायक हैं जिनका अपना रांची में आवास है, वैसे में कई लोग अपने आवास से एकजुट होने के लिए जो है वो राजकीय अतिथिशाला पहुंच रहे हैं। लगातार हेमंत सोरेन जेल जाने के बाद भी अपने विधायकों से यह आग्रह कर रहे थे कि वो सभी एकजुट रहें, चट्टानी एकता का जो है वो परिचय दें। जब वो मुख्यमंत्री थे उस वक्त भी अपने विधायकों को एकजुट करने का लगातार प्रयास कर रहे थे, लगातार उन्हें इस बात की का जो है वो डर सता रहा था कि कहीं विधायक जो हैं वो इधर उधर न छटके। यही कारण है कि सभी विधायकों को फिलहाल राजकीय अतिथिशाला में ही रहने का निर्देश दिया गया है और कहा गया है कि राजभवन के बुलावे का इंतजार करें। तो फिलहाल सभी विधायक अभी भी सर्किट हाउस में मौजूद हैं और बस उन्हें इंतजार है कि राजभवन से कब बुलावा आता है और कब सभी विधायक पहुंचेंगे, उनका परेड किया जाएगा और जो समर्थन पत्र है वो एक बार फिर राज्यपाल को सौंपा जाएगा और दावा पेश किया जाएगा ताकि चंपई सोरेन के नेतृत्व में एक बार फिर से झारखंड में सरकार बनाया जा सके। आरती बिल्कुल, तो अब इंतजार देखिए यही हो रहा है कि एक तरफ देखिए जब पेशी होगी तो रिमांड पर अगर ईडी लेती है तो कितने दिनों के रिमांड पर लेती है हेमंत सोरेन को, दूसरी तरफ आप ये देखिए कि जो बंद बुलाया क्या है उसे लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी चौकस रखनी है, जिला प्रशासन के लिए अभी मुश्किलें कम नहीं हुई है, और सबसे अहम बात ये कि सियासी संशय की जो असमंजस की स्थिति है क्योंकि राजभवन से अब तक बुलावा नहीं आया है, तो राजभवन कब बुलावा देता है सत्ताधारी दलों को, सत्ता पक्ष को, इसका भी इंतजार हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपक आपका और सत्व्रत आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो झारखंड में देखिए जो असमंजस की स्थिति है, सियासी संशय इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अब कल जब गिरफ्तार किया गया हेमंत सोरेन को उसके बाद सत्ता पक्ष ने विधायक दल का नेता तो चुना, समर्थन पत्र जरूर सौंपा है राज्यपाल को, लेकिन राजभवन की तरफ से अब तक सरकार बनाने का न्योता नहीं मिला है। हालांकि इंतजार जरूर हो रहा है, विधायक इकट्ठा हुए हैं सर्किट हाउस में सत्ताधारी दल के विधायक और इंतजार कर रहे हैं कि कब बुलावा आएगा और वो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।